वाराणसी से है, जहां पर एक बार फिर से धरने पर बैठे हैं आईआईटी और बीएचयू के छात्र। छेड़खानी मामले में गिरफ्तारी ना होने पर नाराजगी देखी जा रही है। आईआईटी बीएचयू डायरेक्टर ऑफिस के बाहर में बड़ी संख्या में छात्र बैठे हुए हैं। और देखिए, छेड़खानी का मामला सामने आया था हाल ही में यहाँ से, और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। और इसी के चलते आईआईटी बीएचयू के छात्र धरने पर बैठे हैं। एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं आईटी बीएचयू के डायरेक्टर ऑफिस के पास। एक बार फिर से स्टूडेंट पार्लियामेंट के आह्वान पर स्टूडेंट इकट्ठा होना शुरू हुए हैं, और सुबह का वक्त है, 10 बजे के बाद धीरे धीरे छात्र जुटना शुरू हुए। और आप देख रहे हैं कि अभी भी यहां पर सुबह 10:30 के लगभग दर्जनों छात्र यहाँ पर आकर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों का आरोप है कि 7 दिन मामले को बीत गए, लेकिन जो आरोपी हैं, छेड़खानी के जो आरोपी हैं, वो अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। और यही मांग को लेकर के छात्र छात्राएं यहां पर एक बार फिर से धरने पर बैठी हैं। और एक साफ इनका मांग है, एकमात्र इनका यही मांग है कि जो छात्रा है उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, और पुलिस अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। स्टूडेंट पार्लियामेंट के आह्वान के बाद यहां पर छात्र जुटना शुरू हुए हैं, और धीरे धीरे छात्र यहाँ पर छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो एक बार फिर से आईआईटी बीएचयू के छात्र धरने पर बैठ गए हैं, और धीरे धीरे ये धरना एक विशाल धरने के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। रवि पांडे, न्यूज 18, वाराणसी। यहां पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।